Hello, my dear NEET aspirants. I, Dr. Kairava Singh Kahn, welcomes all my dear future doctors to Practice Education NEET channel. तो बच्चों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. क्या करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे DPP क्वेश्चंस जो हम लास्ट लेक्चर में डील नहीं कर पाए थे. लास्ट लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया था, हेक्टिक हो गया था, तो हम पहले वहाँ पे स्टॉप कर दिया था. आज हम डिस्कस करेंगे उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस. तो आज की क्लास में हम कॉर्डेट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरे एनिमल किंगडम की NCERT एक्सट्रैक्ट, मतलब NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जहाँ जहाँ एनिमल किंगडम का जिक्र है पूरी NCERT बुक्स में, हर जगह से क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डील करेंगे. आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे समथिंग रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो चलो आज अपनी क्लास बिगिन करते हैं. आज का है हमारा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 6, यानी कि लेक्चर नंबर 5 का रिमेनिंग पोर्शन. ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं. सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आप लोग से चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिल चुका है जब से हमने पढ़ा था. आज लेक्चर दोबारा डाला है, तो आप आज इसके क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करो. कमेंट सेक्शन में आंसर्स चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आंसर्स देने की आदत डाल लो बेटा. ऐसा नहीं करना है कि आंसर नहीं दे रहे हैं. गलतियां करोगे तभी तो उससे इम्प्रूव करोगे ना. अब ड्रॉपर तो हो नहीं कि दो दो साल का पढ़ के बैठे हो कि पूरा आता है. अभी अभी सीख रहे हैं, तो गलती होने के स्कोप है. और इस चीज़ से बिल्कुल डरना घबराना नहीं है. होन दो गलती, बट आंसर्स देने की कोशिश किया करो. चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि assertion है जो कह रहा है अ शार्क कैन स्टे एट अ डिजायर्ड लेवल इन वाटर विदाउट स्विमिंग. अब सबसे पहले ये याद करो कि आपकी शार्क जो है वो किस टाइप की फिश है, किसको बिलोंग करती है, कॉन्ड्रियाक्थिस को या ऑस्टियाक्थिस को. तो सबसे पहले ये याद रखना है ये कार्टिलेजिनस है या फिर बोनी फिश है. और यहाँ से हमें ये चीज़ मालूम है कि ये फिश जो है बेटा ये कार्टिलेजिनस है. और जो भी कार्टिलेज वाली फिशेज होती हैं, है ना, जो भी कार्टिलेजेस वाली फिशेज होती हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों? उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है हमें कि कार्टिलेज वाली फिशेज के पास एयर ब्लैडर यानी स्विम ब्लैडर नहीं होता. ये पूरे टाइम इनको स्विम करते ही रहना पड़ता है, अदरवाइज ये डूब जाएंगे. मतलब अजर्शन गलत है. एंड अजर्शन गलत है, अब रीजन में लिखा है कि इसके पास बायंसी होती है क्योंकि इसके पास स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, जो कि फिर गलत है क्योंकि इसके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है. विच मीन्स कि यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. और जब असर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग होते हैं तो अक्सर जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है ऑप्शन डी, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट. चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. वॉट इज कॉमन अमंग पैरट, प्लैटिपस एंड कंगारू. अब प्लैटिपस और कंगारू तो मैमल्स हैं, बट पैरट क्या है? पैरट एव्स है. और एव्स और मैमल्स में कुछ ही सिमिलैरिटीज थी, राइट, जिनमें से एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के पास फोर चेंबर्ड हार्ट है और दोनों हैं वार्म ब्लडेड, मतलब दोनों होमियोथर्म्स हैं. तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है, मतलब आपका आंसर सही है. तो सारे के सारे होमियोथर्म्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैट और वेल दोनों को हमने मैमल्स में क्लासिफाई किया है. तो हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रू है, बैट और वेल दोनों के दोनों मैमल्स हैं. बट मैमल्स क्यों हैं? बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे हैव मैमरी ग्लैंड्स. एजर्शन में क्या लिखा है रीजन के लिए? रीजन के लिए लिखा है कि बैट और वेल के पास फोर चेंबर्ड हार्ट है. तो सिर्फ फोर चेंबर्ड हार्ट होने के कारण ये यहाँ पर नहीं है, ये मैमल है क्योंकि इनके पास मैमरी ग्लैंड है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, यंग वन को नरिश करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ट्रू हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बच्चा बी. ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विथ नो सिंगल एक्सेप्शन. कौन इनमें से एकदम करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है और एक भी एक्सेप्शन इस चीज़ में नहीं है. अब क्या लिखा हुआ है कि रिप्टाइल्स के पास स्केल्स होते हैं, सबके पास थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है. तो सबके पास तो नहीं होता, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है. आगे बढ़ते हैं. सारी बोनी फिशेस के पास फोर पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं और ओपरक्यूलम होता है ऑन ईच साइड. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सारे स्पॉन्जेस मराइन होते हैं और सबके पास कॉलर्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट में लिखा है सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं और डायफ्राम प्रेजेंट रहता है फॉर ब्रीथिंग. तो मुझे अच्छे से सोच के बताओ कि इसमें से क्या होना चाहिए इनमें से आंसर. एक लाइन है जो बुक में डायरेक्टली लिखी है और वही आपका आंसर है. तो बिल्कुल सोच कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं. करेक्टली मैच्ड विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन. फिर से यही पूछ लिया. कॉन्ड्रियाक्थिस के पास कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, मैमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं, रेप्टाइल्स के पास थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है विथ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, और
कॉर्डेट्स के पास माउथ होता है, अपर और लोअर जॉ भी होता है. तो इसमें से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनके पास कार्टिलेजिनस स्केलेटन रहता है. मैमल्स, सारे मैमल्स यंग वंस को बर्थ नहीं देते, एक्सेप्शन प्रेजेंट है. सारे रिप्टाइल्स के पास थ्री चेंबर्ड हार्ट नहीं होता और सारे के सारे कॉर्डेट्स के पास आपको अपर और लोअर जॉ नहीं मिलेगा. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन. तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में से क्या सही है? तो आप देखो यहाँ पर हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टीसी टीसी फ्लाई और सिल्वर फ्लैश, ये सब इंसेक्ट्स होते हैं. तो ये बात तो करेक्ट है, ये सब इंसेक्ट्स होते हैं. जबकि स्पाइनी एंट ईटर, सी अर्किन, सी कुकुम्बर इकाइनोडर्म्स हैं. तो स्पाइनी एंट ईटर इकाइनोडर्म नहीं है. फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश पाइसेस हैं. नहीं बेटा, सिल्वर फिश पाइसेस में नहीं आते. सेंटीपीड, मिलीपीड इंसेक्ट्स में नहीं आते. ठीक है, तो इस तरीके से हम एक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्बोरियल एनिमल, मतलब पेड़ों पे रहने वाला कौन है इनमें से? तो आपको पता है चमेलियन या कैमेलियन, ये है आपका आर्बोरियल एनिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किडिया किसको बिलोंग करता है? सब फाइलम. तो एस्किडिया का सब फाइलम है बच्चों यूरोकॉर्डेट्स. तो एस्किडिया बिलोंग करता है टू यूरोकॉर्डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्टली मैच्ड, कि इनमें से क्या करेक्ट मैच्ड है, क्या करेक्टली मैच्ड है? क्या ऑप्शन है आपके पास? सी एनेमोन ट्रिप्लोब्लास्टिक है. सिल्वर फिश जो है उसके पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं. डक बाइल्ड, प्लैटिपस, ओवीपेरिस है और मैमल्स को बिलोंग करता है. तो ये एकदम करेक्ट लिखा हुआ है. मिलीपीड के बाद वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, अरैकनिडा को बिलोंग करता है. तो ये चीज़ भी गलत दी हुई है. चलो ओ वाओ, तो ये तुम लोग को याद दिलाने के लिए है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज आगे के क्वेश्चंस मिस ऑन हो जाएंगे, वो तुम चाहते नहीं हो. ठीक है, तो ये सिर्फ इसी लिए दिया हुआ है. चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. टेंथ क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्टीलिया, रिप्टाइल्स का करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि सारे रिप्टाइल्स फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, एयर ब्लैडर होता है, या फिर मराइन एनिमल्स हैं, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, प्लेकोइड स्केल्स हैं, या फिर कि बॉडी कवर्ड है ड्राई और कार्निफाइड स्केल्स से, स्केल्स एपिडर्मल हैं और इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता. तो ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. शार्क्स एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज बाय. तो शार्क और डॉग फिश क्या हैं? शार्क और डॉग फिश हैं हमारे कार्टिलेजिनस फिशेस, और वहीं हमारी इलेक्ट्रिक रेज और ट्राइगन वाइगन ये क्या है? ये है हमारी बोनी फिशेस. अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो इनमें अगर हम डिफरेंस देखने की बात करेंगे तो आप मुझे सोच के बताओ क्या होना चाहिए. हेड और ट्रंक वाइडेंट हैं कंसिडरेबली, डिस्टिंक्ट डिमार्केशन है बिटवीन बॉडी एंड टेल, पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ हैं फ्रॉम द सिलेंड्रिकल बॉडी, या फिर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर गिल स्लिट्स यानी कि ओपरिकुलम प्रेजेंट होता है. तो थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन के बारे में और इसको कोरिलेट करके देखो. तुमने जितना भी कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस के बारे में पढ़ा है उसके साथ आपको इस क्वेश्चन को कोरिलेट करना है बच्चा. ठीक है, कोरिलेट करना है और कोरिलेट करके सोच के मुझे बताओ कि क्या सही होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए. तो फटाफट इसके बारे में सोचो और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक. कंपेयर मैच द कॉलम्स 1, 2 एंड 3 विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो हमें इसको मैच करना है विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन. अब देखो करेक्ट कॉम्बिनेशन मार्क करना है और यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है बेटा एसिलोमेट. ठीक है, अब एसिलोमेट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे मालूम है ये कि एसिलोमेट्स जो होते हैं वो विदाउट सीलोम होते हैं. ठीक है, एसिलोमेट से मेरे प्लैटीहेलमिंथस मतलब टू का टू होना चाहिए. तो टू का टू तो होगा. अब टू का टू होने के लिए टू का एग्जाम्पल क्या है? टू का एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिंथस का प्लेनेरिया. तो मतलब टू का सी होगा और फिर टू होगा. ऐसे ही मुझे टीनोफोरा दिख रहा है, तो टीनोफोरा में मुझे पता है बायोल्यूमिनेसेंस ऑप्शन होना चाहिए, बायोल्यूमिनेसेंस ऑप्शन होना चाहिए. और इसका एग्जाम्पल क्या दिख रहा है मुझे? प्लूरोब्रेकिया दिख रहा है. तो मुझे प्लूरोब्रेकिया इसका एग्जाम्पल दिख रहा है. फिर अगर मैं बात करूँगी तो मुझे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिख रहा है, जो मेरे को जो ईजी लग रहा है करने में, वो दिख रहा है मुझे कि एस्किहेलमिंथस का एनसाइक्लोस्टोमा होना चाहिए. मतलब फोर का ए होगा. अब ये एनसाइक्लोस्टोमा क्या होता है? एंडोपैरासाइट्स होते हैं. तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी.
अब मैं देखती हूँ कि क्या इतने से मैं आंसर पे आ पा रही हूँ, ठीक है, इतने से आंसर पे आ पा रही हूँ या नहीं, ये बाकी भी करने पड़ेंगे, देख लेते हैं जस्ट इन केस। तो वन बी वन, ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, वन बी वन, हाँ तो वन बी वन में मेरे पास एक ये ऑप्शन है बच्चा, एक ये ऑप्शन है, ठीक है। फिर मुझे देखना है टू सी टू, टू सी टू, तो टू सी टू से मेरे पास ये ऑप्शन है, मतलब मैं दो के साथ ही करेक्ट आंसर पे पहुंच गई हूँ। और मैं थर्ड से इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ, तो थर्ड के हिसाब से है, फोर्थ से क्रॉस चेक कर लेती हूँ, फोर ए फाइव, फोर ए फाइव, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो आपने देखा मुझे पूरा पूरा मैच भी नहीं करना पड़ा, तो ये है टाइम सेविंग स्किल्स, टाइम सेविंग स्किल्स, कि मैं दो तीन को करके देख लूँ, दो को करके देख लूँ और उसी में देख लूँ मेरा सही आंसर आ रहा है या नहीं। अगर उसमें मुझे अपना सही आंसर मिल जाए तो मैं फटाफट फटाफट बाकियों को क्रॉस चेक करूँ और आगे बढ़ जाऊँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आजकल नीट में ना ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, सब पैराग्राफ भर भर के दे देते हैं और फिर हमको समझते रहना होता है कि क्या लिखा है। चलो देखो, यहाँ पूछा है कि स्टेटमेंट्स को पढ़ो और करेक्ट ऑप्शन चूज करो। लिखा है पेल्विक फिन्स ऑफ फीमेल शार्क्स बियर क्लैस्पर्स, ठीक है। दूसरे में लिखा है ओबिलिया में पॉलिप्स मेड्यूरा बनाते हैं सेक्सुअली और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है एसेक्सुअली। तीसरे में लिखा है फ्लेम सेल्स जो होते हैं प्लैटीहेलमिंथस के वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। चौथे में लिखा है कि नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। और फिफ्थ में लिखा है कि पिन्ना प्रेजेंट होता है इन मैमल्स, पिन्ना प्रेजेंट होता है इन मैमल्स। अब मुझे क्या बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो तुम लोग को क्या लग रहा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं इनमें से, बताओ मुझे कितने स्टेटमेंट करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। मुझसे पूछोगे, मुझसे पूछोगे तो मुझे लग रहा है कि इसमें से थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है और फिफ्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से तो वन टू और थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट है, विच मीन्स जो मेरा सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं भाई, हम सबको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, एशिया में हम रहते हैं यहाँ तो नहीं मिलते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द नेम ऑफ एनिमल विथ वन कैरेक्टरिस्टिक एंड फाइलम टू विच इट बिलोंग्स, ठीक है। तो एनिमल कैरेक्टरिस्टिक और कॉलम इनको मैच करना है, इनको मैच करना है। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है बेटा हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा सही दिया है। ओके, मैच नहीं करना है बेसिकली, ये बताना है कौन सा सही दिया है। तो एडामसिया के लिए लिखा है कि वो रेडियल एसिमेट्रिकल होता है, पोरिफेरा को बिलोंग करता है। पेट्रोमाइसिन के लिए लिखा है कि एक्टोपैरासाइट है, साइक्लोस्ट्रोमा को बिलोंग करता है। इक्थियोफिस के लिए लिखा है कि वो टेरेस्ट्रियल है और वो रिप्टीलिया को बिलोंग करता है। और लिम्यूलस के लिए लिखा है कि वो काइटनस एंडोस्केलेटन वाला है और पाइसिस को बिलोंग करता है। अब मुझे बताओ तुम लोग फटाफट से सोचकर कि बिलोंग करते किसको हैं, कौन किसको बिलोंग करता है, जल्दी से सोच के बताओ मुझे, क्योंकि लिम्यूलस इसको बिलोंग नहीं करता पाइसिस को। और इनमें से जो सही चीज़ है वो है बी, कि ये बिलोंग करता है साइक्लोस्ट्रोमाटा को और ये एक्टोपैरासाइट भी होता है। इक्थियोफिस अगेन रेप्टीलिया को नहीं, एम्फीबिया को बिलोंग करता है। तो छोटी छोटी चीज़ें लोग गलत दे देते हैं। चलो अब ये क्या है, ये है बेटा कि प्रैटिस, अगर आप चाहो कि नहीं वन ऑन वन इंटरेक्शन होना चाहिए मैम, आप पूछती तो हो, आप चाहो आप बताओ, कमेंट में लिखो, पर वो हो नहीं पाता। अगर आपको लगे कि मैं आपसे डायरेक्टली बात कर पाता, पूछ पाता, तो आप भी पेड सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है। कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, तो ऑफर प्राइस के हेल्प से 30,000 का पैकेज आपको 8999 में मिल जाएगा। 8999 में हम आपको पूरे साल पढ़ाएंगे, 11th की भी पूरी पढ़ाई, प्लस क्योंकि आप नीट के लिए एनरोल्ड रहोगे हमारे साथ, तो आपके सारे नीट के डाउट्स वगैरह सब कुछ आप वन ऑन वन पर्सनली हमसे पूछ पाओगे। कोई छोटे भाई बहन हो तो उनको भी बता सकते हो, क्योंकि बेटा आजकल ऐसे ज़िंदगी कहाँ चलती है बिना पैसों के, ठीक है, तो इसीलिए बता देना बाकियों को। चलो देखते हैं, अब है 16th क्वेश्चन में, मैच द कॉलम 1, 2 एंड 3 फ्रॉम द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमें बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। अर्थ वॉर्म एनेलिडा को बिलोंग करता है और एनेलिडा को बिलोंग करता है, हाँ करता है। फ्रॉग राना है और राना उसकी स्पीशीज है। लैंडस्लेट वर्टेब्रेटा डिवीजन को बिलोंग करता है, वॉलरस मैमिलिया क्लास को बिलोंग करता है। ओके, तो
बेटा क्वेश्चन, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लूँ, ऐसा तो नहीं कि मैच द कॉलम करना था और तुमको ऑप्शंस देना भूल गई हूँ। रुक जाओ एक सेकेंड, दो क्रॉस चेक और कर लूँ एक बार कि सही तो दिया है ना मैंने तुम्हें। हाँ बेटा सही दिया है। ठीक है, तो मतलब हमको इनमें से कोई एक बताना है जो सही है, कोई एक बताना है जो सही है। तो ये तो सीधी सीधी गलत बात है। एनेलिडा क्या है? एनेलिडा क्या है? फाइलम है, सुपर क्लास नहीं है। राना क्या है? जीनस है, स्पीशीज नहीं है। लैंडस्लिट, वर्टेब्रेटा डिवीजन, तो वर्टेब्रेटा डिवीजन नहीं है। जबकि वॉलरस मैमलिया को बिलोंग करता है और मैमलिया एक क्लास है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहू जो फिश है वो किससे कवर्ड रहती है? उसके पास साइक्लॉइड स्केल्स हैं, टेल जो है उसकी वो होमोकर्कल है, प्लेकॉइड स्केल्स हैं पर टेल जो है उसकी वो हेट्रोसर्कल है, साइक्लॉइड है बट टेल हेट्रोसिकल है, या प्लैकॉइड है पर टेल होमोसेरल है। अब अगेन इस क्वेश्चन की जब मैं बात करूंगी तो ये क्वेश्चन बच्चों याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। स्केल्स तो तुम बता ले जाओगे। स्केल्स क्यों बता ले जाओगे? स्केल्स इसलिए बता ले जाओगे क्योंकि तुम जानते हो रोहू किस टाइप की फिश है, तो रोहू फिश कैसी है ये हमें पता है, और क्योंकि हमें पता है तो स्केल्स वाले ऑप्शन में चूज करना ईजी है। अब दिक्कत कहाँ आएगी? टेल वाला ऑप्शन चूज करने में, कि टेल वाले ऑप्शन को हम कैसे चूज करेंगे। तो टेल वाला ऑप्शन में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइक्लॉइड स्केल के साथ साथ टेल इसकी होती है होमोसर्किल, ठीक है, होमोसर्किल। तो इस चीज़ को आप यहाँ से मेमोराइज कर लेना क्योंकि प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसीलिए याद करना पड़ेगा। अब पिजन कैसी होती है? पिजन कैसी होती है? तो पिजन क्या करती है? अंडे देती है, ठीक है, अंडे देती है, तो होती है ओवी पैरिस। अब यहाँ पर गलत स्टेटमेंट बताना है कि इन समय से गलत क्या है। टीथ होते हैं कॉन्ड्रैक्थिस में जो कि मॉडिफाइड टीनोइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर होता है फिश में, बायंसी रेगुलेट करता है। एम्फीबियंस में टिम्पैनम एयर को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग बोन्स इनकी न्यूमैटिक होती हैं। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं बेटा, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्लिकॉइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन होते हैं टीथ, ठीक है, टीनोइड स्केल्स का नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टारफिश रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है विथ लैटरल लाइन सिस्टम। जेलीफिश रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है विथ पॉलीपॉइड बॉडी फॉर्म। सिल्वर फिश बायोलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। लैम्प्रे बायोलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है विथ अ सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ विदाउट जॉज। तो 20th क्वेश्चन के लिए क्या लग रहा है? थिंक अ व्हाइल एंड टेल मी 20th क्वेश्चन के लिए क्या लग रहा है, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए इसका, कि क्या इसमें सही और क्या इसमें गलत दे रखा है। स्टारफिश के लिए लिखा है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है, लैटरल लाइन सिस्टम है। जेलीफिश के लिए लिखा है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है विथ पॉलीपॉइड बॉडी फॉर्म है, ठीक है, और लैम्प्रे के लिए लिखा है बायोलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है जिसमें सकिंग और सर्कुलर माउथ है और जॉज भी नहीं है। तो 53 का आंसर क्या लग रहा है? जी सही लग रहा है एकदम, लैम्प्रे का जो ऑप्शन है वो एकदम सही दिया हुआ है। लैम्प्रे होता है बायोलैटरली सिमेट्रिकल और माउथ भी इसका सकिंग और सर्कुलर टाइप का होता है, जॉलेस होती हैं, जॉलेस होती हैं। अब यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई द साइंटिफिक नेम ऑफ द एनिमल विच इज नोन एज ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल को इसमें से क्या बुलाते हैं? तो ब्लू व्हेल, मैं तुमसे कह रही हूँ नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा, ब्लू व्हेल का नाम होता है बेलिनियो पेट्रा, ठीक है, बेलिनियो पेट्रा। तो बलिनो गाड़ी होती है ना, ब्लू बलिनो, वैसे याद रख लेना ब्लू व्हेल, ऐसे करके नाम याद रह जाएगा। चलो अब 23rd क्वेश्चन देखते हैं। जॉलेस फिश है, अंडे देती है फ्रेश वाटर में, हूज एमोसीट्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू द ओशन। तो उसके लार्वा का नाम दे रखा है बेटा, यहाँ से लार्वा का नाम याद रख लेना, क्या पता फ्यूचर में पूछ लें, ठीक है। इतना तो बता ही दिया है उनने कि फिश जो है वो जॉलेस है, अंडे फ्रेश वाटर में देगी, लार्वा उसका बड़ा होने के बाद ओशन में वापस आ जाएगा, लार्वा उसका बड़ा होने के बाद ओशन में वापस आ जाएगा। तो 23 का आंसर तुम लोग को क्या लग रहा है बताओ मुझे, थोड़ा सा सोच के बताओ। सबसे पहले तो ये देखो कि मिक्सिन, नियोमिक्सिन, पेट्रोमाइजिन या फिर एप्टाट्रिटिस में तुम लोगों को क्या लग रहा है कि फिश कौन सी सही दी हुई है, फिश कौन सी सही दी हुई है। अगर हमको एक बार यही पता चल जाए कि इनमें से कौन जॉलेस फिश है तो बाकी कहानी में हमको सिर्फ याद ही करना होगा, है ना, याद ही करना होगा। तो हमको तो एक चीज़ मालूम है कि इन सब में से जो पिट्रोमाइजिन है ये जॉलेस फिश है, बाकी सारी चीज़ें हम याद कर लेंगे, जितना पता है उस बेसिस पे हमने आंसर करेक्ट बता दिया है। चलो नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विवी पैरिस नहीं है, कौन विवी पैरिस नहीं है। अब ये तो तुम बता ही सकते हो, है ना, इनमें से कौन नहीं है, प्लैटिपस नहीं है मैम क्योंकि वो अंडा देता है,
तो इसका आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अब तुमने हमेशा सुना है नेशनल एनिमल टाइगर टाइगर करते फिरते हैं हम। अब यहाँ पूछ रहे हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल, कि वो कौन सा एनिमल है जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो ये कौन है बेटा, कौन है? ये है हमारी जांजोटिक शार्क। तो जांजोटिक शार्क है हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल। चलो ये यहाँ से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल। तो कौन हमेशा ही सही होता है ये बताना है, ठीक है? हमेशा सही होता है ये बताना है। तो विदाउट अ डाउट वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज ट्विस्ट करिए तो तुम समझ जाओ एक एक टाइप के क्वेश्चन कितना पूछते हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते हैं। आपको यहाँ से ये सीखना है कि यही क्वेश्चन कुछ साल पहले आया था, इसी को थोड़ा सा घुमा दिया और इस साल फिर दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों रिपीट, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगले साल इन्हीं किसी क्वेश्चन में से मॉडिफाई करके नया क्वेश्चन तुम्हें दे दें। तो हल्का सा वर्डिंग चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल। नॉट शेयर्ड ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन करते हैं हम शेयर, दोनों लंग से ब्रीथ करते हैं, दोनों वार्म ब्लडेड रहते हैं। अंतर क्या है? चिड़िया देती है अंडा, हम देते हैं बेबी को बर्थ। तो यही है अंतर, विविपैरिटी हम शेयर नहीं करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमीकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स और हेमीकॉर्डेट्स में क्या सिमिलैरिटी है, कॉर्डेट्स और हेमीकॉर्डेट्स में क्या सिमिलैरिटी है? अब यहाँ तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसको पहले वहाँ क्यों रखा था और फिर वहाँ से क्यों हटाया है। तो ये तो तुम लोग मुझे सोच के बताओ, टाइम देती हूँ मैं तुम्हें, बिल्कुल मुझे सोच के बताओ कि क्या सिमिलैरिटी शेयर करेंगे हेमीकॉर्डेट्स विद कॉर्डेट्स, क्या सिमिलैरिटी शेयर करेंगे? सोचो सोचो। वेंट्रल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड होती है क्या हमारे पास, ही होती है क्या? ठीक है, बात ही नहीं करते हम तो ऐसी कुछ। पहला ऑप्शन तो गया। फैरिंग्स विद गिल स्लिट्स could be thought of, pharynx without gill slits, absence of notochord. तो answer क्या है? B is the correct answer. तो इस तरीके से मैं पता चला कि pharynx with gill slits दोनों में present रहते हैं, ठीक है? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना, इतना तो तुम कर ही सकते हो बेटा। अपना पूरा काम धंधा छोड़कर इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के हम लोग तुम्हारे लिए यूट्यूब की सीरीज लाते हैं, ताकि आपको फ्री में एजुकेट कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें। तो आप बदले में इतना सा नहीं कर सकते अपने टीचर्स के लिए? प्लीज़ अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी दोस्तों को पता चलने दो। जितने ज़्यादा अच्छे बच्चे हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को जज कर पाओगे आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो बिल्कुल इस चीज़ में कंजूसी मत किया करो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा दूसरे को बताने से, ठीक है? उल्टा फ़ायदा ही होगा। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। क्या बताना है हमें? हॉर्स का ऑर्डर। अभी हॉर्स का ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आया तो ये हमारी बुक में तो था नहीं, है ना? उसके बाद भी पूछा हमसे, क्यों पूछा? क्योंकि पहले पूछते थे। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था 2017 के नीट में। अब 2017 के नीट में आया ये, तो लोगों को लगा कि यार ऐसा क्यों पूछा, जबकि फॉर्स के ऑर्डर के बारे में तो कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि मैमल्स के जो 14 ऑर्डर्स हैं वो हमको पढ़ाए नहीं गए थे। उसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? तुम होते तो क्या करते? मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे ना ये सोचते कि हॉर्स का नाम इक्विस होता है, तो इक्विडी कर देते। बट इक्विडी ना उसकी फैमिली का नाम है, ठीक है? इक्विडी उसकी फैमिली का नाम है, तो वो उसके ऑर्डर का नाम तो नहीं है। तो हॉर्स के ऑर्डर की जब मैं बात करती हूँ ना, तो ये चीज़ याद कर लो, इसका ऑर्डर होता है पेरिसोडक्टाइला। ये इसका ऑर्डर है। जैसे आप अभी थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हमारा ऑर्डर प्राइमेट्स है ना, हमने उनका ऑर्डर पढ़ के रखा है। किनका? फेलिस वालों का, कार्निवोरा। तो उन सब का हमको पता है, इसका आप याद कर लो, इसका होता है पेरिसोडेक्टाइला। एक्सक्लूसिवली विविपेरिस कौन है? बोनीफिशेस, कार्टिलेजनस फिशेस, शार्क या वेल? तो ऑब्वियस ही बात है बच्चा, इट इज़ अ वेल, बिकॉज वेल्स आर मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्टेब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्रॉप और गिजार्ड आपको किस में मिलेगा? क्रॉप और गिजार्ड आपको मिलेंगे बर्ड्स में, यानी कि एव्स में। सो इट इज द एव्स हु हैव क्रॉप एंड गिजार्ड।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ होम्योथर्म. नॉट अ होम्योथर्म मतलब पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कोल्ड ब्लडेड है. अब मैं एक हिंट दे देती हूँ जल्दी से, इसमें से तुम फटाफट से ढूंढ लो कि कौन मैमल्स और बर्ड्स को बिलोंग नहीं करता, वो है तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड. तो मैक्रोपस तो मुझे लगता है बिलोंग करता है, कैमिलस भी मुझे लगता है, और पिस्टिकिला भी लगता है. चिलोन में मुझे डाउट है, चिलोन में मुझे डाउट है, और मुझे ऐसा लगता है कि चिलोन ना रिप्टाइल्स को बिलोंग करता है. अब तो मुझे बताना मैंने सही बोला या नहीं, और अगर ये रिप्टाइल्स को बिलोंग करता है तो इसका कॉमन नेम जानना है मुझे आपसे. फटाफट से कोई भी मुझे इसका कॉमन नेम चैट बॉक्स में लिख दो, क्या है चिलोन का कॉमन नेम. बुक खोलो, एनसीईआरटी देखो, फटाक से बताओ मैम कि इसका कॉमन नेम तो ये है, ये इसको बिलोंग करता है. ठीक है, जल्दी से कर लेना है काम. चलो अब देखेंगे सारे मैमल्स बिना किसी एक्सेप्शन के किस चीज़ से कैरेक्टराइज होते हैं, किस चीज़ से कैरेक्टराइज होते हैं. विविपैरिटी, बायकॉनकेव ब्लड सेल्स, एक्स्ट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस एंड फोर चेंबर्ड हार्ट. एक्स्ट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस एंड फोर चेंबर्ड हार्ट. हेटरोनॉन टीथ विथ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड अ मस्क्यूलर डायफ्राम एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. चलो अब यहाँ की जब बात आती है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होने चाहिए, प्लस लंग्स और डायफ्राम इनके पास रहता है. तो यहाँ पर विदाउट एन एक्सेप्शन अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखेगी तो वो यही दिखेगी. कुछ में टेस्टिस बेटा अंदर हो सकती हैं, कुछ में हो सकता है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स नहीं हो, तो बाकी सारी चीज़ें वेरी करती हैं, बट ये चीज़ बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर क्लास मैमल्स. इनमें से कौन मैमल्स के अंदर नहीं आता. फ्लाइंग फॉक्स, हेज हॉग, मेनाटी या लैम्प्रे. कितना सिंपल क्वेश्चन है ना. मैमल्स के अंदर नहीं आते हैं लैम्प्रे. ठीक है, किसके अंदर आते हैं ये मुझे चैट बॉक्स में बता दो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तब तक 34 में पूछा है बैट और वेल मैमल्स के अंदर आते हैं क्योंकि इनके पास फोर चेंबर्ड हार्ट है. मैमल के अंदर आते हैं, फोर चेंबर्ड हार्ट भी है, अपने आप में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट इसका रीजन थोड़ी ना हुआ, इसका रीजन थोड़ी ना हुआ, इसीलिए ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी. इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन अजम्पशन. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, जो है क्वेश्चन 35. ये पूछ रहा है डक बाइल्ड प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर बोथ आर एग लेइंग एनिमल्स येट आर ग्रुप्ड अंडर मैमल्स. डक बाइल्ड प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर दोनों अंडे देते हैं, उसके बाद भी इनको मैमल्स में ग्रुप किया है. अब कह रहे हैं क्यों किया है, क्योंकि इनके पास 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे और 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, इसीलिए किया है क्या इनको ग्रुप यहाँ. बताओ मुझे, क्या ये रीज़न देखते हुए इनको यहाँ पर डाल दिया होगा या इनके पीछे कुछ और रीज़न होना चाहिए. तो मुझे फटाफट सोच के बताओ कि ये डकबाइल्ड प्लैटिपस और ये स्पाइनी एंट ईटर मैमल्स में क्यों है, मैमल्स में क्यों है. काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छे से तुम्हें सोचने में मजबूर करेगा कि इनको यहाँ रखा क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ गई कि सब छोड़ छाड़ के इनको यहाँ रख दिया. और ये क्वेश्चन पता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछ सकते हैं हमसे आगे, इसलिए भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये कभी और नहीं है, नीट में आ चुका है 2005 में. तो नीट में नहीं, सॉरी, एम्स का क्वेश्चन है 2005 का. तो सोचो और मुझे सोच के बताओ कि इनको यहाँ क्यों रखा होगा, क्या ये इसका आइडियल रीज़न लग रहा है तुम्हें, आइडियल रीज़न लग रहा है क्या, लग रहा है आइडियल रीज़न, नहीं लग रहा ना. तो इसका आइडियल रीज़न नहीं है, इसका आइडियल रीज़न नहीं है. दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ट्रू हैं. ये जो जो लिखा है कि 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे होते हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ये बात सही है, ये बात भी सही है, बट ये चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा. दे आर अंडर मैमल्स बिकॉज दे पजेस मैमरी ग्लैंड्स, बिकॉज दे हैव बॉडी ऑल ओवर देयर हेयर, ये रीज़न है. दे हैव ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, दैट्स द रीज़न वाई दे आर प्लेस्ड इन मैमल्स एंड नॉट बिकॉज दे हैव 7 क्रेनियल नर्व्स, सॉरी 7 क्रेनियल वर्टेब्रे एंड 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे एंड 12 क्रेनियल नर्व्स, इसीलिए इसको यहाँ नहीं रखा गया. जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चा क्वेश्चन आता है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं. नाउ विद दैट वी हैव कंप्लीटेड विथ द क्वेश्चंस विच बिलोंग्ड टू कोऑर्डिनेट्स. हम कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी अब यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो करेंगे एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट. जितने प्रोबेबल क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, बैक एक्सरसाइजेस में है, 9th में, 8th में, जहाँ जहाँ पर एनिमल किंगडम के जो जो क्वेश्चंस हैं सबको हम डील करेंगे. उसके लिए तुम्हें करना क्या है, उसके लिए करना ये है कि एनिमल किंगडम को बहुत बहुत थरली एनसीईआरटी से पढ़कर आना है, बहुत बहुत थरली एनसीईआरटी से पढ़कर आना है. जब बहुत थरली इसको एनसीईआरटी से पढ़ के आओगे तब हम करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बुक पढ़ते ही आपसे बनेंगे,
काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लिए हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो पुराने कॉन्सेप्ट से वेल वर्स हो जाना ताकि नया कॉन्सेप्ट हम साथ में सीख सकें। अच्छे से पढ़ाई करते रहना बेटा और जुड़े रहना हमारे साथ प्राडिस एजुकेशन नीट चैनल पे, क्योंकि आपको ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाना, आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, दिस इज़ आर ओनली सोल मोटिव। तो इसीलिए करते रहेंगे हम तैयारी आपके साथ, आपकी जीत की करते रहेंगे तैयारी नीट की। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर द एनिमल किंगडम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।